गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो पिलाट एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि अभी कोविड लॉकडाउन चल रहा है और हमने यूट्यूब के ऊपर एक बेसिक सीरीज स्टार्ट किया है। सीरीज के अंदर टोटल अभी तक 15 वीडियोस बन चुके हैं और आप लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा रिप्लाई भी दिया है, तो हम आगे सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जो सीरीज बनाने जा रहे हैं वो आपका एलजेब्रा होगा और हम इस वीडियो के अंदर एलजेब्रा की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, एलजेब्रा क्या होता है और एलजेब्रा के सारे कंसेप्ट हम आपको पूरा बताएंगे। और एलजेब्रा को सॉल्व करने से पहले हम चाहते हैं कि आपने हमारे बेसिक सीरीज का जो इंटीजर वाला वीडियो है वो आपने देखा है और आपने इंटीजर को काफ़ी अच्छी तरीके से जाना और समझा है, क्योंकि बिना इंटीजर आप एलजेब्रा नहीं कर सकते। तो आप पहले, अगर आप इंटीजर नहीं जानते हैं, इंटीजर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप पहले इंटीजर वाली सीरीज देख लीजिए ताकि आपको एलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ये वीडियो नंबर 16 है, हमने इसके पहले 15 वीडियो बनाए हैं और आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, हमारा वीडियो की ओर वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलजेब्रा क्या होता है। मैथमेटिक्स के अंदर एलजेब्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है और एलजेब्रा से ही आप सोच सकते हो कि मैथमेटिक्स का 70% मैथमेटिक्स एलजेब्रा से कवर होता है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा करना है और मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एलजेब्रा अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलजेब्रा की A to Z बातें बताऊँगा। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली एलजेब्रा के बारे में आप पूरा जान जाओगे और आपकी अच्छी खासी पकड़ भी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलजेब्रा के चार चीज़ें हैं, चार एलिमेंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, टर्म और टाइप्स ऑफ टर्म्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एलजेब्रा का बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट के ऊपर। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक तरीके से नंबर्स। ये अब नंबर से क्या समझना है कि नंबर्स मतलब ऐसी कोई वैल्यू जिनका जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही रहता है, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे मैं ले लूँ 4 है, 9 है, -10 है, 0 है, 100 है, तो ये जो सारे हैं वो कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। जो कोई भी नंबर है, होल नंबर है, फ्रैक्शन है, वो सारे कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में आते हैं और एलजेब्रा में सारे नंबर्स को हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। आगे जाके आप कॉन्स्टेंट के टाइप्स भी पढ़ोगे, कॉफिशियंट है, कोफैक्टर है, वो भी आप पढ़ोगे। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कॉफिशियंट क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का को एडजेंट क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है कि नंबर्स को हम एलजेब्रा में कॉन्स्टेंट बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल वो अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कंडीशंस के हिसाब से, सर्कमटेंसेस के हिसाब से उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है और इस वेरिएबल्स को हम लोअर केस ABCD से दिखाते हैं। जैसे A ले लिया आपने, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, P ले लिया, Q ले लिया, तो जितने भी स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल से दिखाते हैं और हम उसको वेरिएबल से डिनोट करते हैं। वेरिएबल भी एक तरीके से नंबर ही होते हैं, मगर उनकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम चेंज करते हैं या चेंज करवाई जाती है, तो उन नंबर्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। अब बात करेंगे टर्म की। तो टर्म क्या होता है? जब किसी आप कॉन्स्टेंट को और वेरिएबल को आप जोड़ देते हो, उनको कंबाइन कर देते हो, तो वो टर्म बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ और फर्स्ट वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 4A, तो ये टर्म बन गया। वैसे टर्म ऐसे भी बन सकता है, जैसे मैं एक माइनस वाला नंबर ले रहा हूँ, -10P, तो ये भी एक टर्म बन गया। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है किसी भी टर्म में कॉन्स्टेंट एक ही होता है, वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे -100
क्यू, यहाँ पे कांस्टेंट -100 है और पी क्यू दो वेरिएबल्स हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि -3 पी स्क्वायर क्यू, तो ये भी एक टर्म है। यहाँ पे -3 कांस्टेंट है, पी स्क्वायर क्यू दो वेरिएबल हैं और पी भी पी का पावर 2 है, तो इसको हम टर्म कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टर्म समझ में आया है। टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। अभी हम आगे बात करेंगे कि टर्म के दो टाइप कौन कौन से हैं। टर्म के दो टाइप्स हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या होता है कि वेरिएबल वेरिएबल सेम होते हैं, और अनलाइक टर्म के अंदर वेरिएबल सेम नहीं होते हैं। कैसे समझते हैं? और एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी अलजेब्रा में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे तो वो हमेशा लाइक टर्म ही होने चाहिए, क्योंकि अनलाइक टर्म का एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। तो लाइक टर्म का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, अनलाइक टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि किसको लाइक टर्म बोलना है और किसको अनलाइक टर्म बोलना है। आपको लाइक और अनलाइक टर्म क्लासीफाई करते वक्त आपको सिर्फ वेरिएबल की ओर ध्यान देना है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो वेरिएबल एम है और इधर भी वेरिएबल क्या है, एम है। कांस्टेंट चाहे कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ वेरिएबल ही देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल एम है, इधर भी वेरिएबल एम है, तो ये लाइक टर्म हुआ। फिर यहाँ पे देखो कांस्टेंट 3 है, कांस्टेंट 10 है। मैंने अभी आपको बोला कि आपको कांस्टेंट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल देखो पी आ रहा है, तो इधर भी वेरिएबल पी है। इधर वेरिएबल एक्स है, तो इधर भी वेरिएबल एक्स है। हाँ, इधर भी पहले आ रहा है और इधर पी बाद में आ रहा है, मगर इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो चलेगा, बट जो वेरिएबल्स दोनों टर्म में आते हैं वो आने चाहिए। यहाँ पे पी है, इधर भी पी है, यहाँ पे एक्स है, इधर भी एक्स है, तो वेरिएबल सेम होने की वजह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट 4 है और कांस्टेंट 2 है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इधर वेरिएबल एक्स मिस है, गायब है, मतलब एक भी वेरिएबल मैच नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट -100 है और यहाँ पे कांस्टेंट 20 है। यहाँ पे वेरिएबल एम है, इधर वेरिएबल एम है। यहाँ पे वेरिएबल पी है और यहाँ पे वेरिएबल पी स्क्वायर है। आप सोचोगे कि दोनों वेरिएबल मैच कर रहे हैं, बट एक बात ध्यान रखना है, वेरिएबल के साथ साथ उनकी पावर भी मैच होनी चाहिए। यहाँ पी की पावर कुछ नहीं है, समझना है 1 है, और यहाँ पी की पावर 2 है, इसलिए दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये अनलाइक टर्म हो जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, क्योंकि ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म का ही एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, अनलाइक टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। तो होप सो आपको जितना पढ़ाया है इतना समझ में आया है। अभी हम टाइप्स ऑफ टर्म्स और क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल टर्म्स लाइक और अनलाइक टर्म। अभी हम टर्म्स के क्लासिफिकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो टर्म को हमने मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितने टर्म होते हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होता है, दो टर्म हुआ तो अगर एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल, और मोर देन फोर होते हैं तो पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ m है, वेरिएबल अकेला है, कुछ नहीं है, तो समझ लेना है कि इसके बाजू में 1 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक और दो दो टर्म आ रहे हैं, इसीलिए ये बाइनोमियल हो जाता है। यहाँ पे सिंगल m वेरिएबल अकेला है, आगे 1 लगा दो, ये टर्म बन जाएगा। एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई वेरिएबल नहीं है, 4 + 3 = 7, ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को आप टर्म बोल सकते हो, मगर कोशिश करनी है कि जब वेरिएबल्स दिखाई दें तो ही आप टर्म बोलो। अगर आप चाहो तो इसको आप मोनोमियल की कैटेगरी में डाल सकते हो। यहाँ पे 1 लगा दोगे,
ये एक टर्म है, मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे एक ही नंबर है, वो भी कांस्टेंट है। आप सिंपल एडिशन कितनी बार आ रहा है, सब्ट्रैक्शन कितनी बार आ रहा है, वो भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, ये मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक दो और तीन, मतलब ये ट्राइनोमियल है। फिर यहाँ पे देखो एक दो तीन चार, मोर देन चार या फोर और मोर देन फोर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे वन टू, ये हो गया बाइनोमियल। यहाँ पे वन टू थ्री, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से हम टर्म्स हैं वो टर्म्स को समझते हैं कि टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर जितने टर्म्स आएंगे उसके हिसाब से हम उस एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। अगर एक टर्म आता है तो मोनोमियल, दो टर्म आते हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म आते हैं तो ट्राइनोमियल, और मोर देन फोर और फोर आते हैं तो हम उसको पॉलीनोमियल कंसिडर करते हैं। अगर 10 टर्म आते हैं तो भी पॉलीनोमियल होगा, 5 टर्म्स आते हैं तो भी पॉलीनोमियल होगा। अभी हम एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे जो है डिग्री। डिग्री क्या होता है हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑन बेस ऑफ डिग्री, डिग्री पहले समझेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो उसका डिग्री होता है। जैसे अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 हुआ तो उसको हम लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 हुआ उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलेंगे, जिसका डिग्री 3 हुआ उसको हम क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलेंगे। आइए हम चेक करते हैं कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। मैंने क्या बोला था कि डिग्री है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब आपको पहले वेरिएबल फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल आपको ये दिख रहा है और एक्स के ऊपर अभी कोई पावर नहीं है, और कोई पावर नहीं है इसका मतलब उसके पास 1 है, और 1 डिग्री होने से ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा। फिर सेकेंड देखते हैं, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, इसके पास तो 1 है और इसके पास 2 है। मैंने क्या बोला था, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 हो रही है और 2 है इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल ये रहे, इसके पास पावर 1 है और इसके पास पावर 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है इसीलिए ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हो जाता है। और यहाँ पे एक्स वेरिएबल ये रहा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 समझना है आपको, और 1 पावर होने से ये लीनियर पॉलीनोमियल हो जाता है। और बाद में देखो यहाँ पे वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 2, वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर 3 होने से ये हाईएस्ट पावर हो जाएगी और डिग्री 3 होने से यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पावर 1 थी, पावर 2 थी, पावर 3 था, पावर 1 थी और यहाँ पे पावर 3। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन में पावर को चेक करते हुए, उसकी डिग्री को चेक करते हुए हम उस पॉलीनोमियल को या फिर उस एक्सप्रेशन को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो आपका एलजेब्रा का बेस हुआ, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो मैं जो दूसरा वीडियो मतलब एलजेब्रा का पार्ट 2 हमारा वीडियो नंबर 17 बनाने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और इसका आपका बेस बनेगा, तो ही आप एलजेब्रा पार्ट 2 वीडियो नंबर 17 में अच्छी तरीके से मेरे
सारे कंसेप्ट समझ पाओगे। आई होप सो आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आया है, और हम आपको जो समझा रहे हैं आप समझ रहे हो, और आपको जो समझ में आता है तो उसके बाद वीडियो के कमेंट में ज़रूर से कुछ कमेंट्स कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, आज के दिन के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ यू एंड योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।